हमारी आज की कहानी की फीमेल लीड जिसका नाम शियाजू था, उसकी फैमिली एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी। इस खुशी में उसके पेरेंट्स अपने पड़ोसियों को केक बांटे थे, जिस वजह से वो सब शियाजू को देख के थैंक यू कह रहे थे। जाते जाते शियाजू अपनी मॉम और भाई को दूसरे पड़ोसी के साथ बात करते देख मुंह छुपाते हुए जा रही थी, पर उसका भाई उसे पुकारता है तो उसकी मॉम उसे बुलाती है उनके पास। ये थी डिंग आंटी। शियाजू कौन से स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये जानने के बाद वो उसे सजेस्ट करती है कि उनका बेटा भी सेम स्कूल सेम ग्रेड में पढ़ता है तो वो दोनों साथ में जाया करें स्कूल। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगती है नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, पर उसकी मॉम कहती है उसका ड्रेस तो काफ़ी नया लगता है तो उसे फिर से क्यों खरीदना है यूनिफॉर्म। अब शियाजू नई स्कूल में शिफ्ट हुई थी तो उसका यूनिफॉर्म भी चेंज हो गया था, बस इसीलिए वो नई यूनिफॉर्म की पैसे मांग रही थी। शियाजू के भाई को एक नया यूनिफॉर्म दिया गया था, वो इसकी दुहाई भी देती है, पर उसकी मॉम कहती है उसका भाई स्कूल ख़त्म होने तक वो ड्रेस पहन सकता है, लेकिन उसके स्कूल ख़त्म होने में बस एक ही साल रह गए थे तो एक साल के लिए एक नई यूनिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं थी उसे। शियाजू के पापा शायद उसे नई यूनिफॉर्म के पैसे देना चाहते थे, पर शियाजू की मॉम उन्हें भी चुप करा देती है। अगले सीन में हम दो मेल लीड को देखते हैं, एक का नाम था लीशवी और दूसरे का नाम था चिंगलिंग। चिंगलिंग हर चीज़ में फर्स्ट आता था, इसलिए शीलवी का गैंग उसे बुली कर रहे थे। चिंगलिंग मैच में कब जीता था इसीलिए शीलवी का गैंग उससे पैसे मांग रहे थे, क्योंकि कप के साथ शायद उन्हें बोनस भी दिया जाता था। बात शायद मारपीट तक पहुंचने वाली थी, पर ऐसे में चिंगलिंग के चेहरे पे मुस्कान खिल उठती है। दरअसल ये सब जिगरी दोस्त थे, इतने टाइम से ये सब हमें उल्लू बना रहे थे। वहाँ शियाजू अपने पापा के साथ मिलके पटाखे जलाने की कोशिश कर रही थी, पर उससे हो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लगता था। आग ना लगते ही वो डर के मारे पीछे हो जाती है और टकराती है चिंगलिंग से। शियाजू उसे सॉरी कहती है, पर चिंगलिंग जिस तरह से उसे देख रहा था, उसे देख के स्माइल कर रहा था, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि पहली नज़र में ही शियाजू उसे पसंद आ गई थी। शियाजू के पापा फिर से उसे आग जलाने के लिए बोलते हैं, तभी लीशवी भी वहाँ आ जाता है। शियाजू को ऐसे डरते हुए देख लीशवी को बहुत हंसी आ रही थी। शियाजू उसे हो नहीं रहा था देख उसके पापा ही आग जलाने जाते हैं, पर इससे तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। पटाखे के जलने से उसकी आवाज से शियाजू ऐसे डर जाती है कि वो उस डंडे को चारों तरफ घुमाने लगती है और पूरा पटाखा जाके गिरता है लीशवी के पिछवाड़े पे और खत्म ना होने तक वैसे ही फटती रहती है। अब सोचो इस वक्त लीशवी पे क्या गुजर रही थी। बाद में शियाजू लीशवी से माफी मांगने आती है, पर लीशवी कहता है सिर्फ सॉरी कहने से सब कुछ माफ नहीं हो जाता। लीशवी तो शियाजू की हालत भी वैसा ही करना चाहता था जैसा शियाजू ने उसके साथ किया था। शियाजू कहती है वो ये कैसी बात कर रहा है। लीशवी कहता है वो ऐसा ही है, अब वो उसके सामने से चली जाए। तभी अंदर लीशवी के पापा और शियाजू की मॉम आती है। लीशवी को शियाजू के साथ बदतमीजी से बात करते देख उसके पापा उसे डांटते हैं। शियाजू की मॉम भी कहती है कि ये उनकी बेटी की गलती थी। अब उनकी बेटी की वजह से लीशवी की ये हालत हुई थी, इसीलिए शियाजू की मॉम लीशवी के पापा को पैसे देती है, मतलब लीशवी के दवाई के लिए। लीशवी के पापा लेने से इनकार करते हैं तो शियाजू की मॉम खुद उसके हाथों ही देती है। तब शियाजू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी मॉम से यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांगे थे, पर फिर भी उन्होंने उसे पैसे नहीं दी और इतनी आसानी से उन्होंने लीशवी को पैसे दे दिए। अगले सीन में हम देखते हैं लीशवी के पापा दोनों के लिए खाना बना के लाते हैं, पर लीशवी का तो खाना देख के ही पेट भर जाता है। वो अपने पापा से कहता है वो बीमार है तो उन्होंने ये कैसा खाना बनाया। शियाजू और उसके मॉम के जाते ही लीशवी के पापा ने उसके हाथों से शियाजू के मॉम के दिया हुआ पैसा ले लिए थे, इसलिए लीशवी उनसे वो पैसे मांगता है अच्छा खाना खरीद के लाने के लिए। लेकिन लीशवी के पापा एक अच्छे इंसान थे, वो अपने पड़ोसी का दिया हुआ पैसा नहीं रखना चाहते थे, वो बाद में उन्हें वापस कर देते। वहाँ हम जान पाते हैं डिंग आंटी का बेटा चिंगलिंग था। वो अपने बेटे के लिए बहुत प्राउड फील करती थी और चिंगलिंग भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। वह शियाजू को अपने भाई के साथ बेड शेयर कर रही थी, पर उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अब बड़ी हो चुकी थी इसीलिए उसे खुद का रूम चाहिए था। तब उसकी मॉम कहती है इस घर में बस दो ही रूम थे, अगर वो ऐसी करेगी तो उसका भाई कहाँ सोएगा। शियाजू की मॉम हर वक्त ऐसा ही करती थी, उसे धमका के चुप करा देती थी। शियाजू को इस नए जगह पे आने के लिए अफसोस हो रही थी, क्योंकि वो जहाँ पहले रहा करती थी वहाँ पे कम से कम उसका एक खुद का रूम हुआ करता था। शियाजू के भाई को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो अपनी दीदी से कहानी सुनना चाहता है। इस बात से शियाजू के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है अपने भाई को इस रूम से भगाने की।
वो एकदम माहौल बना के अपने भाई को ऐसी डरावनी कहानी सुनाती है कि उसका भाई डर के मारे खुद ही कमरे से भाग जाता है। फिर शियाजू इतनी आराम से सोती है कि सुबह उसकी मॉम को आना पड़ता है उसे स्कूल के लिए बुलाने को। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू की यूनिफॉर्म पुरानी स्कूल की थी, इसीलिए बाकी स्टूडेंट्स को उसे देख के कंफ्यूजन हो रही थी। सर सबसे उसका इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, पर शियाजू इतनी ऑकवर्ड फील कर रही थी कि वो बाहर ही खड़ी थी। फिर सर उसे अंदर बुलाते हैं, वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं, पर शियाजू बस अपना नाम बोल के ही चुप हो जाती है। सर शियाजू की ऑकवर्डनेस को समझ रहे थे, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे शियाजू बाकी सबसे फैमिलियर हो पाती। वो शियाजू को रोल कॉल करने देते हैं और बाकी सबको शियाजू के साथ कॉर्पोरेट होने के लिए बोल जाते हैं। शियाजू के लिए सारे स्टूडेंट्स अनजाने थे, लेकिन नाम प्रेजेंट करते वक्त उसे ऐसा एक नाम मिलता है जिसके चेहरे से वो वाकिफ थी। चेंग लेंग के साथ उसकी मुलाकात बस कुछ ही पल की हुई थी, फिर भी उस मुलाकात में उसे इतनी कम्फर्टनेस मिली थी कि आज भी उसे देख के शियाजू के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। बाद में उसे एक नाम दिखने को मिलता है जिसे वो ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। फिर वो स्टूडेंट को जिस नाम से पुकारती है, बाकी स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि उस नाम का कोई स्टूडेंट उनके क्लास में नहीं था। तभी खिड़की से एक बैग जोर से आके शियाजू के पैर के पास गिरती है और एंट्री होती है लूशी की। लूशी कहता है वो अभी अभी जिसका नाम ले रही थी वो उसका नाम था, पर उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत थी। इस बात से बाकी स्टूडेंट्स शियाजू को लेके मजाक उड़ाने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट शियाजू के पास आती है, इसका नाम शी लेटाओ था। बाद में शी लेटाओ देखती है शियाजू के पेंसिल बॉक्स पे कुछ सेलिब्रिटीज की स्टिकर लगी हुई थी जिनकी वो भी फैन थी, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। बाद में शी लेटाओ शियाजू को स्कूल घुमा के दिखा रही थी, ऐसे में लूशी पीछे से आके शियाजू का मुंह पकड़ के उसे यहाँ पे ले आता है अलग से बात करने। शियाजू को पता था कि लूशी ने उसे यहाँ पर क्यों लाया था, इसलिए वो पहले ही कह देती है कि वो उसके पिछवाड़े के बारे में स्कूल में किसी को नहीं बताएगी। लूशी फिर भी उसे वार्न कर देता है कि अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो वो गारंटी नहीं दे सकता कि उसके साथ वो क्या करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास चलते वक्त मैडम जो पढ़ा रही थी वो शियाजू के सर के ऊपर से जा रही थी, ऐसे में मैडम की नजर लूशी पे पड़ता है। उसका ध्यान कहीं और था, इसीलिए वो जो पढ़ा रही थी उस बारे में लूशी से सवाल करती है। लूशी को फंसते हुए देख शियाजू को बहुत मजा आता है। वह लूशी मैडम से साफ साफ कह देता है कि उसे आंसर नहीं पता, पर वो साथ ही साथ शियाजू को भी फंसा देता है। वो कहता है शायद उनकी नई स्टूडेंट्स को इस बारे में पता होगा। मैडम तब उसी से सवाल करती है। अब शियाजी को वैसे ही कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ऊपर से हमला होते देख घबरा के उसके मुंह से गलत जवाब निकल जाती है। फिर उसे पड़ती है मैडम से डांट, और इस बार लूशी मजा लेता है। नए स्कूल में आके शियाजू के साथ सब कुछ गलत ही हो रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू गर्म पानी लेने आती है, तभी चेंगलिंग भी वहां आता है। शियाजू अपने आप से बात करने में इतनी खोई हुई थी कि गर्म पानी उसके हाथों के ऊपर गिर जाता और इसका उसे कोई ख्याल ही नहीं था। थैंक गॉड कि चेंगलिंग ने उसे बचा लिया। चेंगलिंग शियाजू से पूछता है क्या उसे नए स्कूल में आके प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसके पुराने स्कूल में पढ़ाई की जो पैटर्न थी वो इस स्कूल से ज्यादा इजी था। ऑफकोर्स शियाजू के लिए सब कुछ डिफिकल्ट था। चेंगलिंग कहता है हाँ ये बात सच है कि बाकी स्कूल से ज्यादा उनके स्कूल में पढ़ाई की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा फास्ट है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं। शियाजू कहती है जो हर सब्जेक्ट में टॉप करता हो उसके लिए भला कौन सी चीज डिफिकल्ट लग सकती है, वो तो स्कूल का सेलिब्रिटी है और वो उसे एडमायर करती है। बाद में ये दोनों बात करते हुए जा रहे थे और रास्ते में एक स्टूडेंट के साथ टकरा के शियाजू के हाथ में जो गर्म पानी था वो लूशी के पिछवाड़े पे जाके गिरती है। शियाजू चाहे कितनी बार ही क्यों ना माफ़ी मांग लेती, पर वो लूशी के आँखों में अनलकी पर्सन बन गई थी। बाद में शियाजू चिंगलिंग के पास एक दवाई लेके आती है लूशी को दे देने के लिए, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी लूशी के सामने जाने की। शियाजू बहुत धीरे से ही लूशी के पिछवाड़े के बारे में बात कर रही थी, पर ये बंदा सुन ही लेता है। वो इसे लेके बात को आगे बढ़ा था, उससे पहले ही लूशी आ जाता है। शियाजू तब समझ नहीं पाती अब उसे क्या करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू अपनी डायरी में अपने पुराने दोस्तों की फ़ोटो चिपका रही थी, जिसे देख उसकी मॉम उसे ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ पढ़ाई में ध्यान देने को बोलती है।
देखो, शियाजू से पूछती है स्कूल कैसा था। शियाजू कहती है उतना भी अच्छा नहीं। तब उसकी मॉम उसे लेक्चर देने लगती है। शियाजू की मॉम चाहती थी शियाजू एक दिन टॉप करे। शियाजू भी कहती है कि उनके जीन में आज तक क्या किसी ने टॉप किया जो वो करेगी। लेकिन शियाजू का भाई था ना, उसे डांट खिलाने के लिए उसने अपनी क्लास में टॉप किया था। दोनों भाई बहन के बीच बिल्कुल भी बनती नहीं थी।